अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आई होप कि आपको स्टडी किया होगा और बेहतर है कि रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वापस अपने रूटीन में आने वाले हैं। अच्छा, आज का जो लेक्चर वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप कि अब तक आपको स्टफ कंप्लीट मिल गया होगा। स्टफ मीन्स आपकी कोर्स एंड आपकी नोटबुक्स आपको मिल गई होंगी, ठीक है। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो लेक्चर सिर्फ हमारा लिसनिंग पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आज से हम अपने राइटिंग स्किल्स पे भी काम करेंगे, ताकि जब हमारा स्कूल स्टार्ट हो, कंटिन्यू हो हमारी रूटीन, तो हमारे रिटन स्किल्स जो है वो अच्छा खासा डेवलप हो चुके हो, जो कि अभी शायद इतने मेच्योर नहीं रहे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्लास टू के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब भी अपनी कोई भी कॉपी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम मेंटेन करते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर भी आपको एक सैंपल दे दिया है, आपने इंडेक्स राइट करना है, आपने इंडेक्स बनाना है 3 पेजेस, काउंट करके भी बता दो, वरना चीटिंग हो जाएगी। 1, 2 and 3, ठीक है। इन 3 पेजेस पे हम अपना इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स कैसे बनाएंगे हम सबको पता है, ठीक है। हमने क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाएंगे, इसमें सीरियल नंबर, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। अगेन आई एम टेलिंग, सीरियल नंबर, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। ग्रीन पेंसिल्स अब हम यूज करना शुरू कर देंगे। अगर आपको अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो आप स्कूल से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 3 पेजेस हो गए यहाँ पर। अब हमारा क्या है, हमारे जो अब के लेक्चर्स हैं वो अब हमारे साइड बाय साइड चलेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स। जैसे कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इट्स टाइम टू वेक अप। बाकी इट्स टाइम टू वेक अप, उठ जाएं, जाग जाएं। अब हमने क्या करना है, हमने इंडेक्स भी राइट करना है और साथ साथ अपने अपने वर्किंग भी करनी है। आप क्या करेंगे, आप अपना लेक्चर नंबर 1 दोबारा देखेंगे, ठीक है। उस लेक्चर नंबर 1 में अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट पेज की जो रीडिंग की थी जिसमें 3 क्लाउड्स थे, एक क्लाउड हमारा था जो वर्ब को शो कर रहा था जो कि लास्ट मंथ था, और फर्स्ट और सेकेंड क्लाउड जो था वो हमारे नाउन बता रहा था, कुछ बेडरूम के हवाले से और कुछ किचन के हवाले से। उसी लेक्चर में मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन भी दी थी। अब हम क्या करेंगे, कुछ नया काम और कुछ पुराना काम। सबसे पहले काम करने से पहले हम चैप्टर की हेडिंग डालेंगे। इट्स टाइम टू वेक अप। ठीक है, ये तो आ गया हमारा चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर का इंडेक्स नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई होप कि सब बच्चों को याद आ गया होगा, टीपी। सबसे पहले हम बनाएंगे टीपी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो है वो किचन के आइटम्स की भी बात हुई है, बेडरूम के आइटम्स की भी बात हुई है, ब्रेकफास्ट की भी बात हुई है, तो आप उनमें से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो एज इट इज बुक की जो पेजेस बना हुआ है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, अपने पास से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, अपना घर, अपना बेडरूम, अपना किचन, अपनी डाइनिंग टेबल, जो भी आप ड्रॉ करना चाहें, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, चैप्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या करना है, टीपी बनाना है। सेकेंड हम क्या करते हैं, हमारे सीक्वेंस है ना, पहले हम टीपी करते हैं फिर हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, हमारी वर्ड्स मीनिंग। सेकेंड हम राइट करेंगे अपनी वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। हमने अपनी वर्ड्स मीनिंग राइट की, यहाँ पर लिखी हुई है सारी। थर्ड हमने क्या करना है, थर्ड हम देंगे डेफिनेशन ऑफ वर्ड। वर्ब की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने दी थी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। आप पहले हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन, फिर नीचे वर्ब ऐड करेंगे और एज इट इज उतार देंगे लेक्चर नंबर 1 से कॉपी करके, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे प्रीवियस लेक्चर की, हमारे पुराने लेक्चर की जो कि हम कर चुके हैं। अब आएंगे थोड़ा सा हम न्यू काम की तरफ, जो बुक में तो हमने कर लिया था लेकिन अब वो हम कॉपी में शुरू करेंगे। हमारी है एक्सरसाइज ए पेज नंबर 3, ठीक है, कर ली होगी आप लोगों ने आई होप। इसमें क्या करना है, मेक 1 बिग वर्ड फ्रॉम द 2 स्मॉलर वर्ड्स। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है एक चीज आ गई है। हमने नाउन पढ़ लिया था क्लास 1 में, हमने नाउन पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं,
तो आप क्लास वन का लेक्चर नंबर वन देखेंगे। क्लास वन का लेक्चर नंबर जब आप वन देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने नाउन को डिफाइन किया है, उसकी एग्जाम्पल भी दी है, आप वो देखेंगे, इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा आपको। ठीक है, वर्ड भी हम पढ़े, हम नाम भी। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जा रही है ना, हमारे टॉपिक्स भी बढ़ते जाएंगे। क्लास वन में हमने नाम को बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्लास टू में अब हम नाउन और वर्ब दोनों को पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमने एक बिग वर्ड बना रहे हैं टू स्मॉल वर्ड्स से। नाउन क्या है, नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग, या नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। कार एक ट्रांसपोर्ट है, पेट क्या होते हैं सबको याद है, डॉग कैट हमारे जो जानवर होते हैं, पेट। कार और पेट दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, लेकिन जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, कार। टू स्मॉल वर्ड्स प्रोडक्ट अ लॉन्ग वर्ड, कारपेट। अच्छा, ये हमारे ना कंपाउंड नाउन भी कहलाते हैं, मिक्स नाउन, जब दो नाउन मिलके एक नया नाउन, लेकिन नाउन जो बनेगा वो हमेशा नया बनेगा। फिर क्या है हमारा, लेडी बर्ड। लेडी एक अलग नाउन है और बर्ड एक अलग नाउन है, लेकिन जब इन्हें ज्वाइन करके हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इंसेक्ट आ जाता है जो रेड कलर की होती है, बर्ड हमारे पास होती है। ठीक है, लेडी बर्ड। ये तो था हमारा कॉपी वर्किंग का काम। देखिए, बहुत आपने केयरफुली इसको काम करना है, इस काम को हम लेके चलेंगे। कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, ग्रीन पेंसिल्स यूज करेंगे, इंडेक्स हमारा प्रॉपर, और हाँ, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। यही सीक्वेंस होना चाहिए आपके इंडेक्स का जो कि बना हुआ है। काम साफ सुथरा होना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, एंड वन थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका टीपी आपने ही बनाना है, मम्मा नहीं बनाएंगी, ट्यूशन टीचर नहीं बनाएंगी, आपकी बाजी खाला कोई नहीं बनाएगा, ये आपका काम है और ये काम आपने ही करना। अगर आपका काम किसी और ने किया तो वो काम फिर कट हो जाएगा। अच्छा, जब ये काम आप कर लेंगे, अब आपको कैसे पता कि हमारा काम ठीक हुआ या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इनकी पिक्चर देंगे और हमें उसका फीडबैक देंगे, हमें बताएंगे, हमसे कंफर्म करेंगे, कोई इशू है हमसे पूछेंगे, और इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास।